तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माई चैनल। आई होप दोस्तों सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्यू एन ए वीडियो होने वाला है। तो जब भी मेरे से यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन हो जाते हैं, उन क्वेश्चन का इस वीडियो के अंदर मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने भी कहीं क्वेश्चन पूछ रखा होगा तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन का रिप्लाई इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई क्वेरी हो दोस्तों तो आप मेरे से कहीं भी पूछ सकते हो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का। तो जाकर आप मुझे DM भी कर सकते हो या आप ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आजम का, सर एक कब का पेपर है? तो ये जो मैंने अभी जो अपने चैनल के ऊपर पेपर डाला था, वो पेपर आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो HSPT बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था पेपर, उनका पेपर मैं अपने चैनल के ऊपर डाला है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल गेमर का, भाई कैन डिलीवर वाले वीम का सॉल्यूशन दे दो, ये मुझे कहीं नहीं मिला, मुझे नहीं पता कि मेरे ठीक है या गलत, ठीक है। तो टेक्निकल गेमर, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो सारे जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं सोम में, ठीक है, मैकेनिकल का, सिविल का, ऑटोमोबाइल का, तो मैं सारे का सॉल्यूशन इसी चैनल के ऊपर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप वेट कर लो, 2-4 दिन के अंदर मैं सॉल्यूशन चैनल पर डाल दूंगा। गुड जॉब स्टडी मटेरियल ने बोला है, सो थैंक यू भाई। पेपर पे टिक लगाया था MCQ के, उस बात पर UMC बोल के रोल नंबर लिख के चले गए, बट साइन नहीं करवाए मुझसे, कहीं नहीं कुछ और। तो क्या मेरा UMC हुआ? UMC में आगे क्या होता है? दोस्तों, अगर UMC अगर आपका लग गया होगा, ठीक है, अगर आपका UMC लग गया होगा तो आपका एक नोटिस आ जाएगा। जैसे एग्ज़ाम HSPT का ख़त्म होता है तो HSPT के पोर्टल पे, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपका उसके अंदर नाम होगा नोटिस के अंदर, उस लिस्ट के अंदर, तब आप समझ लेना कि मेरा UMC बन चुका है। अगर आपके नोटिस के अंदर नाम नहीं होगा उस लिस्ट के अंदर, ठीक है, उस नोटिस में एक लिस्ट भी आएगा साथ साथ, अगर उस लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं होगा तो समझना कि आपके UMC नहीं लगे हैं और आपके रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है। अगर UMC लगता है तो मैं उसके बाद प्रोसेस आपको बता दूंगा। जैसे ही लिस्ट आता है UMC का, तो मैं सारा स्टेप, सारा प्रोसेस बताऊंगा कि UMC आने पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और आप वेट करो, जैसे ही UMC का नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वांट ऑनलाइन एग्जाम MBA फर्स्ट टाइम MDU। तो MDU ने जो भी क्राइटेरिया दिया था, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो ऑनलाइन होगा, नहीं तो ऑफलाइन पेपर MDU के चालू हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन का करे HSPT मुर्दाबाद। सो HSPT मुर्दाबाद ही है, ठीक है, बच्चों के लिए कुछ करता नहीं है, सो HSPT मुर्दाबाद मेरे तरफ से भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव शेखर का, थैंक यू सर, सो थैंक यू। शिवम पांडे का कमेंट है, थैंक यू सर, सो शिवम पांडे जी आपको भी वेरी वेरी थैंक्स, ठीक है। रोहित कुमार का थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का, सर क्वेश्चन पेपर का सर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्वांटिटिंग सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सिविल इंजीनियरिंग 6M। तो मैं सारा क्वेश्चन पेपर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ, तो जाकर आप ग्रुप ज्वाइन करो, सारा पेपर है मिलेगा, ठीक है। आपको जाने का तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उस डॉक्यूमेंट्स में जाकर आप चेकआउट कर लेना, बिल्कुल आपके पेपर मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। सूरज का है, अरे सर DAPR असाइनमेंट रिजल्ट कब आ रहा है? तो आपके रिजल्ट है वह HSPT बोर्ड, जो भी आपके कॉलेज है HSPT बोर्ड को 15 तक मेल शायद कर दिए होंगे आपके नंबर, तो HSPT बोर्ड तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद आपके HSPT वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। अगर आपके कॉलेज वाले नंबर फॉरवर्ड नहीं किए होंगे बोर्ड के अंदर तो मे भी डिले हो सकता है। अभी इसके रिगार्डिंग मुझे 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो बस ये लेटेस्ट क्वेश्चन बच्चे का यही था, ठीक है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, आपका डाउट क्लियर हो पाया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं नेक्स्ट Q&A बना के आपको सोल्यूशन दे दूंगा। सो थैंक यू।